बिहार के पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से वाराणसी में बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव निजी दौरे पर थे और काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन साथ ही मां गंगा की आरती के लिए वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान तेज प्रताप ने उस होटल पर बदसलूकी का आरोप लगाया है जिसमें वो ठहरे थे। इस संबंध में उन्होंने एक FIR भी दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि तेज प्रताप यादव गंगा आरती और काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे, उनकी अनुपस्थिति में उनके कमरे को खोला गया, सामान को बाहर निकाला गया। हालांकि दूसरी तरफ होटल प्रबंधन का कहना है कि सब कुछ नियमानुसार ही किया गया है। रात को अचानक उनकी बुकिंग आई और उन्होंने बोला कि भैया आ रहे हैं, आप दो कमरे खुलवा दीजिए। हमने उसी समय उनको बता दिया था जो बुकर थे कि देखिए सर, हमारे पास आज ही के लिए रूम है 6 तारीख के लिए, 7 तारीख मेरा सोल्ड आउट है, तो आपको सुबह खाली करना होगा। उस समय बोले ठीक है। अब आए भैया से आने के बाद उनको बोला जा रहा कि ID कार्ड दे दीजिए, तो ID कार्ड हम दे देंगे, सुबह को दे देंगे, शाम को दे देंगे, यही चला। जब सुबह वो 9 बजे निकल गए दर्शन के लिए तो उस समय से बोला जा रहा कि सर रूम आपने खाली नहीं किया, तो ठीक है हम लोग आते हैं अभी कर देंगे। 1:30 बजे से फॉलोअप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी आधी घंटा में आ रहे हैं, 1 घंटा में आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। और मेरा दूसरे गेस्ट रुके हुए थे, काफ़ी देर से रुके हुए थे, इन्हीं का ग्रुप, यही ग्रुप लीडर है, इनको हम बोल रहे हैं कि अभी आधी घंटा में कर रहे हैं, 1 घंटा में कर रहे हैं। गेस्ट जो जिनका रूम ऑलरेडी से पहले से बुक है, 2 महीने पहले से बुकिंग है, तो ऑफेंड होगा सर। रात में वो जब 12 बजे तक नहीं आए, तब हमने उनके जो बुकर थे उनसे 205 में जो उनके गेस्ट रुके हुए थे उनसे बात करवाया। बात करवाने के बाद उनका लगेज शिफ्ट करवाया ताकि इनको मैं रूम दे सकूं। यही पूरी घटना है सर। तेज प्रताप जी का रूम हमने डिस्टर्ब नहीं किया था, उनका जो 206 था वो 206 अभी भी लगा हुआ है, उनका लगेज शायद उसके अंदर हो। अभी जब तक नहीं आएंगे तब तक तो हम खुलवा नहीं सकते, भाई मिनिस्टर आदमी है। तो उनके जो बॉडीगार्ड वाला रूम था 205 उसके बगल वाला, वही रूम हमने खुलवाया था और उनसे बात करवाने के बाद वो लगेज निकाला वहाँ से। नहीं सर, नहीं खोला गया सर, नहीं खोला गया, 205 का किया गया है। मैं 205 के लिए तो बोल ही रहा हूँ सर। अब मिनिस्टर का रूम हम कैसे खोल सकते हैं जब मिनिस्टर ना हो? जब वहाँ पे 205 में आदमी था तो आदमी से जो बुकर था उनकी बात करवाई, बात करवाने के बाद उनका सामान हमने वहाँ से आउट किया ताकि हम रूम दूसरे को दे सके। वो तो बार बार यही बोल रहे हैं कि नहीं मेरा रूम खुला है जबरदस्ती। अब अगर कोई बोलेगा कि हाँ मेरा रूम खुला है तो हम क्या कर सकते हैं? दो का उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए 1 दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री हैं या क्या हैं, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे, इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था, होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग कराई थी वो वहाँ मौजूद था, तो आने के बाद इन्होंने एक शिकायत पुलिस को दी है, प्रार्थना पत्र दिया है जिसकी जाँच की जा रही है।